I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. महाभियोग प्रस्ताव को लेकर अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रंप कह रहे हैं कि महाभियोग प्रस्ताव को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन वो हिंसा नहीं चाहते। कहीं ये तो नहीं कि ट्रंप एक बार फिर हिंसा की धमकी दे रहे हैं? क्या महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाने के लिए इस तरह दबाव बनाना चाहते हैं? कहीं ट्रंप एक बार फिर हिंसा कार्ड खेलने की फिराक में तो नहीं? ट्रंप समर्थकों ने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन में घुसकर जो उत्पात मचाया, उसके बाद से ही निवर्तमान राष्ट्रपति सवालों के घेरे में हैं। उन पर आरोप है कि भीड़ को उन्होंने ही हिंसा और देशद्रोह के लिए भड़काया है। इस हिंसा के सिलसिले में एफबीआई ने धरपकड़ शुरू कर दी है। अब तक 160 मामले दर्ज किए गए हैं। एफबीआई को 1 लाख से ज्यादा वीडियो क्लिप और तस्वीरें मिली हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। 70 मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। मामलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इसी मामले में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के जज श्लोमा मोस्तोस्की के बेटे एरोन मोस्तोस्की को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी संसद पर हुए इस हमले को लोकतंत्र पर हमला माना गया और इसके बाद से ही ट्रंप को हटाने की मांग तेज हो गई। डेमोक्रेट चाहते थे कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस संविधान के 25वें संशोधन को लागू करते हुए ट्रंप को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले लें, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन सांसदों ने इस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। पेंस भी इसके लिए तैयार नहीं, इसीलिए सोमवार को ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया। ट्रंप ने महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। As far as this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. Thank you, everybody. महाभियोग प्रस्ताव को ट्रंप देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। 6 जनवरी को हुई हिंसा के बाद ट्रंप पहली बार सार्वजनिक रूप से मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन हिंसा की निंदा करने की बजाय उनका फोकस अपने खिलाफ हो रहे एक्शन पर रहा। फेसबुक, ट्विटर समेत दूसरे सोशल मीडिया के उनके अकाउंट पर बैन लगाने के फैसले का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि देश में अभिव्यक्ति का अधिकार खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी टेक कंपनियां देश को बांटने की बड़ी गलती कर रही हैं। is doing a horrible thing for our country and to our country, and I believe it's going to be a catastrophic mistake for them. They're dividing and divisive, and they're showing something that I've been predicting for a long time. I've been predicting it for a long time, and people didn't act on it. But I think big tech has made a terrible mistake, and very, very bad for our country, and that's leading others to do the same thing. And it causes a lot of problems and a lot of danger. Big mistake. They shouldn't be doing it. But there's always a counter move when they do that. I've never seen such anger as I see right now, and that's a terrible thing. Terrible thing. And you have to always avoid violence. And we have tremendous support. We have support probably like nobody's ever seen before. Always have to avoid violence. ट्रंप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनके भाषण की वजह से हिंसा भड़की। उन्होंने अपने भाषण का बचाव किया। So if you read my speech, and many people have done it, and I've seen it both in the papers and in the media, on television, it's been analyzed, and people thought that what I said was totally appropriate. And if you look at what other people have said, politicians at a high level, about the riots during the summer, the horrible riots in Portland and Seattle and various other places. That was a real problem, what they said. But they've analyzed my speech and my words and my final paragraph, my final sentence, and everybody to the T thought it was totally appropriate. Okay, thank you. Thank you. जाहिर है ट्रंप ने सारे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी वजह से कुछ हुआ, इसीलिए वो महाभियोग प्रस्ताव को लेकर चेतावनी दे रहे हैं और एक बार फिर से हिंसा का डर दिखा रहे हैं।